single dick. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आ चुके हैं गाइज एक और वीडियो के साथ, और आज हम जा रहे थे गाइज ये पता नहीं कोई नई जगह आई है, तो हम ट्राई करने चलते हैं। यहाँ पे सारे कह रहे थे यहाँ पे बहुत बंदे उतरते हैं, तो हम भी उतरते हैं इधर, पर हम उतरे तो यहाँ एक भी बंदा नहीं उतरा। तो जल्दी से अब गन ढूंढनी पड़ेगी, क्या पता कोई लेट उतरता हो बंदा। पहले जल्दी से गन ढूंढते हैं। अब मेरे को मिल गई थी यहाँ पे टॉमी, चलो कोई नहीं। और लेवल 3 का हेलमेट भी मिल गया था भाई, बहुत सही। और ये पता नहीं स्टन ग्रेनेड जैसा पता नहीं क्या ही बना हुआ था, तो हमने इसको चेक किया तो इसमें पता लगता है कि आग लगती है। तो यहाँ मेरे को बैरल भी मिल गई थी, तो यहाँ पे लूट तो बहुत अच्छी मिली हमें। अब मैं यहाँ पे लूट ही रहा था तो मेरे को बाहर एक बोट की साउंड आती है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ बोट को मारने, इससे पहले कोई मेरा टीममेट मार दे उसको। तो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं, पूरा फिनिश भी कर दूंगा इसको। और अब मैं चलता हूँ सीधा इस स्टन ग्रेनेड की तरफ, देखे तो सही है क्या। तो मैं इसको जलाने के लिए आता हूँ। तो यहाँ पे पता नहीं माचिस से बनी हुई थी, इसको जलाते हैं और इसमें टाइम भी लगता है। तो गाइस क्या इस मस्त इफेक्ट था जलने का भी, इतने में इसका पूरा लाल हो गया भाई। और मुझे यहाँ मिलती है लेवल 2 की वेस्ट, और यहाँ पे मिनी मिल जाती है, तो मैं उसकी गोलियाँ निकालता हूँ और चलते हैं आगे बंदों की तरफ। तो हम सोच रहे थे पास में यही जगह है, तो पहले यहीं चेक करते हैं, फिर जाएंगे सीधा स्कूल में। अभी हमारे पास गाड़ी तो थी नहीं, तो पहले हम यहाँ पर गाड़ी भी मिल जाएगी क्या पता। तो पहले वेयर हाउस लूटते हो जाता हूँ, थोड़ी बहुत यहाँ भी लूट मिल जाएगी। अब मैं सीधा वेयर हाउस लूट के बाहर आता हूँ, मुझे मिल जाती है बग्गी। तो मैं अपने टीममेट का बोलता हूँ जल्दी से बाहर आ जाओ, सारे बग्गी पे चलेंगे तीनों के तीनों इकट्ठे। तो वो बोलते बग्गी पे कैसे जाएगा, तो भाई अब देखना गाइस मैं इनको ग्लिच करके दिखाऊंगा, तो तुम भी देख लो कैसे करना है। तो अपने टीममेट को पहले तो मैं बिठा लूँगा, तो अब दूसरे वाले को बुलाऊंगा जल्दी। आ तो गाइस अब करना ये है, बग्गी के आगे एक बंदे को लेट जाना है और स्प्रिंट का बटन दबाना है, और उसी टाइम हमने स्पीड से गाड़ी चलानी है और अपने आप हो जाएगा ग्लिच। तो मैं अपने 4 नंबर को बताता हूँ, वो उससे पहले मैं करवा भी चुका हूँ ऐसे, तो अब देखना गाइस। एक दो बारी तुम्हारा फेल होएगा, फिर उसके बाद चल जाएगा, जैसे अब इसने करा, अब इसका एक ये बारी फिर फेल होएगा, ये पीछे चला जाएगा। तो इसको बोलूँगा अब दोबारा ढंग से करियो, तो मैं वापस बग्गी को मोड़ता हूँ, तब देखना गाइस अब की बार हो जाएगा ये वाला ग्लिच। पिछली बारी इसने स्प्रिंट नहीं किया था इसलिए गिरा, इस बारी ढंग से मैंने लिटाया और पूरा स्प्रिंट हुआ। तो बूम गाइस देखो कैसे ऊपर चढ़ गया, और अब इसको स्प्रिंट करते रहना है, स्प्रिंट छोड़ देगा तो ये उसी टाइम गिर जाएगा। तो और ये गिर गया तो ये पक्का नोक होएगा, नोक तो नहीं थोड़ी सी हेल्थ रहेगी आएगी, क्योंकि पबजी ने वो चीज ठीक कर चुकी है, जैसे गिरोगे तुम्हारी फुल हेल्थ होगी, तो तुम्हारी हेल्थ पूरी कम नहीं होगी। अब हम पूरे रास्ते ऐसे तो जा नहीं सकते थे, तो हमें एक गाड़ी चाहिए थी, तो हमें लग रहा था कि पता नहीं बीच में कोई बंदे मिल जाए और ठोक ना दे, बस वो भी देखेंगे कर क्या रहे हैं भाई। तो हमें दिखती है सामने एक जीप खड़ी हुई, तो मैं सबसे पहले वहीं लेता हूँ, फिर हम इन दोनों को बिठाऊंगा और सीधा चलेंगे बंदों को ढूंढने। तो हमें दिखती है सामने पहले जीप, जल्दी से जीप के पास रोकता हूँ और जीप में बैठेंगे हम सारे। अब मैं इनको जल्दी से बिठाता हूँ, भाई जल्दी से आओ, अब सीधा चलेंगे बंदों को ढूंढने। किल तो हो ही नहीं अभी कोई भी, और बंदे अभी 50 बचे हैं। हम अब स्कूल तो चेक करके आ ही चुके हैं, और अपार्टमेंट भी, अपार्टमेंट में तो होता तो कोई पक्का फायर कर देता। तो हम सोचते हैं रोजोक हिल पे चलें सीधा, और इतने में मेरे को बोट दिखता है, तो मैं पहले इस बोट को ख़त्म करता हूँ। और अब इसको लूटने का मन करेगा, क्योंकि इसको पहले पूरा फिनिश करना पड़ेगा, क्या पता कोई और बोट आए और मेरा किल चुरा जाए। तो पहले इसको अब लूटते हैं, पहले बैरल की गोलियां मिल जाती हैं मेरे को, जो कि सही है। तो हम जल्दी से बैठते हैं गाड़ी पे, सीधा चलते हैं रोजोक हिल पे। इतने में वहां से फायरिंग की साउंड आने लगती है, तो हमें पता लग गया था भाई अब तो उधर पक्का बंदे हैं। तो जल्दी से लेते हैं सीधा उधर पहाड़ी पे रोकेंगे पहले, तो मारेंगे नहीं कह के लेंगे। तो हम जल्दी से पहाड़ी पे आते हैं, और मैं यहाँ पे आकर देखता हूँ भाई कोई दिखे, पर यहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं दिख रहा था। पता नहीं फायरिंग तो हो रही थी और यहाँ पे बंदे दिख नहीं रहे थे, पता नहीं कहाँ ही कैंप कर रहे थे।
इतने में मेरा एक टीममेट तो उन पर रश करने के लिए चला भी जाता है और एक बंदा मेरे को दिखता है बाहर ओपन में भाग रहा होता है, तो मैं एक गोली मारता हूँ, स्कोप तो था नहीं, तो इतने में एक और गाड़ी रश करने आ जाती है, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ अब यहाँ से निकल, अब सीधा चलते हैं इन पर थर्ड पार्टी करने। जल्दी से मैं गाड़ी उठाता हूँ और एक मेरा टीममेट वहीं पर ही था, तो मैं उसको कह देता हूँ जब उनकी फ़ाइट स्टार्ट हो जाए तू सीधा उनके घर में घुस जियो, फ्री के किल मिल लेंगे अब तो। तो मैं जल्दी से गाड़ी निकालता हूँ और वो अपना घुस भी चुका था अंदर। तो गाइस देखो फ्री के किल लेने के लिए वो तो चला भी गया, एक किल मार के नोक पूरा फिनिश भी कर देगा। तो इतने में गाइस देखना क्या ही स्कैम होगा मेरे साथ, मैं इतने में बचा भाई, क्या ही बचा हूँ मैं उनसे। अब मैं जल्दी से हेल्थ पूरी करता हूँ। अब इनका एक ही बंदा रहता है जो कि ऊपर छत पर बैठा हुआ है, तो मेरे को पता था छत पर बैठा हुआ है वो, तो मैं जल्दी पहले बाहर जाता हूँ। अब देखना गाइस कहाँ ही बैठा होगा, इतना छुप के भाई, क्या ही जगह चुनी उसने, देखो गाइस कहाँ बैठा हुआ है। तो जल्दी से करता हूँ इसको भी ख़त्म। अब यहाँ वाली टीम तो हो चुकी थी ओल्ड डेड, अब एक ही टीम रहती थी जो अभी गाड़ी आई थी। तो जल्दी से चलते हैं अब लूट मारने, लूट इतनी थी नहीं हमारे पे, तो जल्दी से मैं पहले उसी बंदे को लूटने जाऊँगा। और मेरे को बैरल छोड़नी थी क्योंकि स्टेबल नहीं रहती बैरल इतनी दूर के लिए, तो मैं यहाँ से पहले M4 लूँगा। इस भैया जी के पास हमारे M4 थी, 4X भी मिल गया जो कि मेरे कार 98 में बहुत काम आएगा। अब सारी लूटता हूँ, इतने में एक बंदे के मेरे को साइड से फुटस्टेप्स आते हैं और एक भैया जी मेरे को दूर से भी दिखते हैं, तो मैं पहले दूर वाले भैया जी के टफली फोड़ूंगा पहले। तो अब इसको नॉक करता हूँ, इतने में लेफ्ट वाला जो ब्रोकन वॉल के पीछे वो मेरे टीममेट को नॉक करता है, मुझे दिख भी जाता है भैया जी हमारे। तो मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, फिर जल्दी से अपनी गन को रीलोड करता हूँ, इससे पहले वो अंदर घुस के मेरे टीममेट को मारे, मैं नीचे कूद जाता हूँ और इसको करता हूँ ख़त्म। तब गाइस देखना पीछे एक इसका इतना नूब प्लेयर मेरे को इजीली मार सकता था, पता नहीं बस मार नहीं पाया। तो जल्दी से इसको भी नॉक करता हूँ और अब मैं इसको पूरा फिनिश कर दूंगा। और इसका भाई एक टीममेट पूरा कवर दे रहा था, इतने मेरा टीममेट बताता है कि उस तरफ है वो, मेरे को भैया जी दिखते हैं वो कूद के अपने प्लेयर को बचाने जा रहे थे जिसका मैंने सर फोड़ा था अभी। अब मेरे को पता था वो यहाँ बीच में से जाएगा ही जाएगा, और भैया जी वही गलती करते हैं बिना स्मोक के जाते हैं और करते हैं इन्हें भी ख़त्म। अब इनको आराम से लूटते हैं फिर निकलते हैं इधर की तरफ से भी। तो गाइस जब हम ऐसे गेड़ियाँ मार रहे थे इतने में हमें दिखती है राइट में फ्लेयर चलती हुई, तो जाना तो पड़ेगा, बंदे भी आएंगे और लूट भी मिलेगी दबा के। तो जल्दी से चलते हैं सीधा फ्लेयर की तरफ। तो गाइस अब हम पहुंच तो गए थे फ्लेयर की तरफ, पर भैया जी ने फ्लेयर इतनी गंदी जगह पे चलाई थी ओपन में बिल्कुल ये झोपड़ियों के अंदर, तो हम यहीं गाड़ी रोकते हैं पहले। तो भाई देखना पड़ेगा चार बंदे हैं कितने बंदे कुछ नहीं पता था, इतने मुझे एक भैया जी यहीं से भागते आते दिखते हैं, तो इन्हें करता हूँ मैं नोक पहले। तो अब ये सिर्फ दो ही बंदे थे दिख गए थे जो कि हमें, इतने में मेरा टीममेट उस बंदे को ख़त्म कर देगा। अब एक और गाड़ी रश करने आई थी पर वो रुकती नहीं है, तो हम इन्हें डैमेज देते हैं थोड़ा बहुत और ये चली जाती है सामने पहाड़ पर रुकेगी। और अब गाइस देखना हमारी गाड़ी के इन्होंने टायर फोड़ दिए थे ऊपर पहाड़ पर रुक के, इतने में हमारे पीछे भी आ जाएगी हमारा पीछा करते हुए। तो गाइस देखना अब क्या ही बचेंगे, पूरे चार बंदे थे हमारी गाड़ी, हमें पता था फटने वाली है। तो मैं जल्दी से कूदता हूँ, एक बंदे को मैं नॉक करूँगा पर मेरे ADS के चक्कर में मेरे को दूसरा बंदा नॉक कर गया। तो अब गाइस देखना हमको क्या ही कवर मिलेगा, नंबर तीन हमारा इतनी सही जगह पे जाके रुका, पीछे से कवर दे रहा हमको, इतने में एक बंदा बचा था नंबर चार उसको हमारा ख़त्म करता है। तो यहाँ होते हैं सारे ओल्ड डेड, अब जल्दी से मैं इससे रिवाइव लेता हूँ कि क्या पता और बंदे ना आ जाए कोई। अब हमारे पे गाड़ी तो थी नहीं, तो हम जल्दी से रिवाइव मिलेगा अब इनको लूटेंगे। और सामने एक बग्गी खड़ी थी, तो मैं सीधा चलता हूँ बग्गी लेने, क्योंकि जो मेरा टीममेट लेके आया था तीन नंबर उसी की बग्गी उठा के हम निकल जाते हैं यहाँ से। मैं अपने टीममेट को साथ में बिठा के लेके चलता हूँ और मुझे सामने दिखती है एक ड्रॉप गिरती हुई, तो मैं ड्रॉप लूटता हूँ पहले। तो हेलमेट वेस्ट भी मिल जाएंगे और गन मुझे मिलती है भाई M249 जो कि बहुत तबाही गन है। तो अब हम ड्रॉप लूट के सीधा निकलते हैं यहाँ से। अब बंदे बचे थे सिर्फ 9, उसमें से हम 4 हो गए, 5 बंदे और बचे हैं, अब हम उन्हें ढूंढना रह गया था और इतना बड़ा सर्कल था अभी। तो मेरा टीममेट बोलता है राइट में है शायद उस घर के पास, पर उसको फिर वहाँ पे नहीं दिखता कोई भी। इतना मैं लेफ्ट में देखता हूँ जा रहा था, तो मुझे यहाँ पे खड़ी दिखती है गाड़ी, तो मैं सोचता हूँ यहीं होंगे बंदे जो भी होंगे अब। तो मैं जल्दी से मैं यहाँ लेता हूँ और मुझे भैया जी दिख भी जाते हैं यहाँ पे खड़े हुए। तो अब गाइस देखना मैं कैसे इतना बुरी तरह नोकूंगा, मेरे को लग रहा था कि भैया जी मेरे को देख नहीं रहे होंगे, पर मेरे को ही देख रहे थे भैया जी भी और मेरे को नॉक कर देते हैं। वो तो शुक्र है मेरा टीममेट अभी दूर नहीं गया था, जल्दी से मेरे को रिवाइव करता है। और वो तो अच्छा हुआ कि मेरे टीममेट्स अब ऊपर बैठे हैं दोनों, ऊपर से कवर देंगे कि ये हम पे रश नहीं कर पाएंगे। इतने में अब इतने में रिवाइव होता हूँ और एक भैया जी पूरी रफ्तार में रश करने की उम्मीद में थे। तो अब गाइस देखना थोड़ी सी हेल्थ में कैसे ही निपटाऊंगा इस। अब इसके साथ साथ एक और बंदे को नॉक कर दूंगा जिसने मेरे को नॉक किया था, जल्दी से उसको भी नॉक करता हूँ।
अब मैं बैठ के अपनी हेल्थ पूरी करूँगा। पहले एक और भैया जी हम पे रश करने आ रहे थे, क्योंकि अब इनके दो और बंदे बचे हैं। अब मेरे को पता नहीं कहाँ ही होंगे वो दोनों। इतने में अपनी हेल्थ पूरी करता हूँ, रीलोड कर रहा था, इतने में मेरे को एक और भैया जी दिख जाते हैं, सामने से भागते हुए आ रहे थे। अब जल्दी से मेरी M249 रीलोड होगी और भैया जी को हम फिर इसको भी निपटाते हैं। अब इनका सिर्फ एक ही बंदा बचा है। तो गाइस देखना, अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए पहुंच भी गया था और वो इतने मेरे को दिखता है वहाँ पे, और मेरे टीममेट भी आ चुके थे किल चुराने के लिए। तो मैं जल्दी से करता हूँ इसको खत्म। शो तो शुक्र है चारों किल मेरे को ही मिले। तो गाइस पसंद आया तो पूरी स्क्वाड वाइप एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो हम इन सबको लूट के एक ही बंदा बचा था, अब उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। यहाँ हमें ड्रॉप दिखी थी, ड्रॉप पर हमें अब क्या ही करना था, एक ही बंदा बचा था, ऐसे ही ढूंढ रहे हैं अब उसको। फिर अब मैं सोचता हूँ जोन के बाहर कहाँ ही होगा वो, तो पीछे चलता हूँ वापस उसको देखने। तो अब अपने आप ही भैया जी हमारे सामने आ जाएंगे। उसको लग रहा था हम उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे, इतने में वो बाहर आ जाता है। तो इसको करते हैं ख़त्म। तो ये था गाइज आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ गाइज, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Hello.